हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे यार ट्रैम्स क्रैमलर में 10 मेजर और माइनर इश्यूज जो मैंने नोट डाउन किए हैं। मोर देन 3.5 मंथ से मैं इसे चला रहा हूँ सिटी में हाईवे पे। दो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी मैंने इस पे कवर कर लिए है, एक पिलियन के साथ और एक सोलो। और आज बात करेंगे यार वो सारे पॉइंट्स कितने वैलिड है आप लोगों के लिए, कितने वैलिड नहीं है। इन 10 पॉइंट में से यार फर्स्ट, फोर्थ एंड टेंथ मेरे लिए तो यार थोड़ा इम्पोर्टेंट रहा, जो मुझे फील हुआ। जो भी लोग इस बाइक को यार ले रहे हैं ना यार, वो दो चीज़ों के लिए ले रहे हैं, एक तो टूरिंग और एक सिटी राइड। ये बाइक ना कैपेबल है 120 की स्पीड तक आराम से क्रूजिंग करने के लिए, और उस स्पीड पे ना यार विंड ब्लास्ट काफ़ी इस पर फील होता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पे पूछा, भैया ये विंड स्क्रीन कितना बफेटिंग कर लेती है, कितना प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने हर बार यही बोला है यार, ये मोर और लेस लुक्स के लिए है, जिसकी वजह से पूरी बाइक का जो लुक है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। एक एडवेंचर टूरर सेगमेंट की बाइक ये लगती है। और इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ विंड बफेटिंग से, विंड ब्लास्ट से बचाने का नहीं है। मैं इस पर आपको बैठ के भी दिखाता हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विंड स्क्रीन यार मोर और लेस जितना विंड बफेट करेगी मेरे चेस्ट तक कर पाएगी। जो विंड ब्लास्ट आएगा मेरे चेस्ट पे आएगा, इससे ऊपर का यार विंड ब्लास्ट ये प्रोटेक्ट नहीं करेगी। हिमालयन में क्या है, एक्चुअली हिमालयन पे जो विंड ब्लास्ट आता था वो सीधा हेड पे आता था, क्योंकि उसकी विंड स्क्रीन यहाँ तक आती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक जब टूरिंग कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बॉडी का जो पोस्चर हो जाता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो थोड़ा सा डक करके हिमालयन में क्या होता था, मैं बच जाता था, विंड ब्लास्ट हेलमेट के ऊपर वाले हिस्से से टकरा के चला जाता था। इसमें आप डक करके भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि और अगर इसमें आफ्टर मार्केट आप विंड स्क्रीन लगाएंगे जो कि इतनी ऊंची होगी, तो यार आप सोचे इतना जो गैप है वो बिल्कुल भी देखने में लुक्स वाइज बाइक को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये एक जो प्रॉब्लम है वो रहेगी। लेकिन बस यहाँ पे मुझे जो एक छोटा सा एडवांटेज फील हो रहा है वो ये, जब विंड ब्लास्ट जो आता है नेक पे जब आता था तो थोड़ा पेन करता था, क्योंकि ये वीक एरिया है, यहाँ पे बॉडी का कोई स्पॉट भी नहीं है। अब जो विंड ब्लास्ट आता है मेरी चेस्ट पे आता है, और चेस्ट के विंड ब्लास्ट को जो कनेक्टिविटी मिली हुई है मेरे हैंड से, और हैंड लॉक हो जाते हैं मेरे बाइक के हैंडल पे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा यार विंड ब्लास्ट ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। 120 की स्पीड तक तो मैंने दो राइड इस पर कर ली हैं, जो कि मेरे को इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ नहीं है। अगर आप 120 से ऊपर जाएंगे, 130, 40, 50 इतना एक्सट्रीम पे इसे भगाएंगे, तब वो विंड ब्लास्ट ज़रूर आपको परेशान करेगा। लेकिन 120 की स्पीड तक मुझे नहीं लगता कि यार वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। जो नंबर 3 इशू है यार, वो है मीटर का कंसोल। बहुत सारे लोगों को क्या है यार कि ये जो मीटर की इन्फॉर्मेशन है वो गलत मिल रही है यहाँ पे। उसमें होता क्या है कि फ्यूल का जो एक इंडिकेशन है वो गलत दिखाता है, फ्यूल कम होता है ज़्यादा दिखाता है, या ज़्यादा होता है कम दिखाता है, एक तो ये। और एक स्पीड का कुछ लोगों को शुरू में था, लेकिन अब वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने ना वाइब्रेशन का भी बताया कि निडल में जो है वाइब्रेट करती है, फ्लक्चुएट करती है, मेरी भी कर रही है। लेकिन यार मैंने इसके फोक्स पे अल्फा की लाइट्स लगवाई है, उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस को इन्फ्लेट कर रहा है यहाँ तक। उससे अगर मैं उसे खोल दूंगा तो वो नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोगों की निडल बिना लाइट लगाए भी आ रही है। और बात करें फोर्थ इशू की यार, जो बहुत एक राइडर के लिए मैटर करता है, वो इशू है यार इसके सेंटर स्टैंड का। सेंटर स्टैंड का ना होना मतलब आप जब लगेज इस पे लगाएंगे या उतारेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, चेन क्लीन करेंगे या ल्यूब करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, कहीं आप टफ टेरेन पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन या डिक्लाइन है, जहाँ पे आपका साइड स्टैंड काम ही नहीं करेगा। और पार्किंग लॉट में यार लोग क्या करते हैं, सारे आके टिक जाते हैं, लग जाते हैं, जिसकी वजह से साइड स्टैंड धीरे धीरे झुकने लगता है। वहाँ पे भी आप लोग सेंटर स्टैंड का जरूरत रहता है। सेंटर स्टैंड लगाने के बाद जो भी बैठना है, जैसे भी बैठना है, बाइक सही रहेगी। तो उसका मैंने यार एक सॉल्यूशन निकाला है, मोटो जैक, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनाया है। मैं आई बटन में कहीं तो लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, चेन क्लीनिंग, ल्यूब, और वो मोटो जैक को कैसे यूज़ करना है, सेंटर स्टैंड की कमी को कैसे आप इरेडिकेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो एक उसका व्लॉग बनाया है प्रॉपर, आप वो भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस बाइक को लोग टूरिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, तो यार 13 लीटर का जो फ्यूल टैंक है ना वो सफिशिएंट नहीं है। वैसे तो अगर आप ऐसे टफ टेरेन पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप्स मिल रहे हैं इजीली, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके स्टॉपेज बढ़ जाएंगे। जैसे 1000 किलोमीटर की राइड पे आपको इस बाइक पे 3 स्टॉपेज लेने पड़ेंगे। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा होती तो 2 फ्यूल स्टॉपेज में काम चल जाता, लेकिन फ्यूल टैंक कैपेसिटी जब काम आती है, जब आप टफ टेरेन पे स्पीति या लद्दाख जब जा रहे हैं जहाँ पे आपको 200-300 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप मिलना ही नहीं है, तब यार ये बाइक थोड़ा सा
पीछे रह जाती है। बहुत सारे लोगों की यार मेरे ब्लॉग्स पे तो ये कमेंट आ रहे हैं कि भैया मैं माइलेज दिखाता हूँ 34-35 दे रही है हाईवेज पे, सिटी पे दे रही है 28-29, लेकिन एक्चुअली बाइक जो माइलेज दे रही है कुछ लोगों को वो लिख रहे हैं 20 KMPH, 21-22। तो यार ये एक इशू है। यस, ये हो सकता है कि ट्रैफिक में अगर खड़े खड़े बाइक चल रही है तो यार फ्यूल तो कंज्यूम कर ही रही ना, तब आपकी माइलेज कम देगी। लेकिन अगर आपकी चलते हुए सिटी में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी अगर माइलेज कम दे रही है तो यस, वो ज़रूर एक इशू है। मैंने सभी लोगों को बोला है कि शोरूम जाएँ और अपनी बाइक को अच्छे से चेक कराएँ, क्योंकि यार मेरे को जो बाइक ये फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है, जो माइलेज दे रही है, वो सिटी में 28-30 के बीच में वेरी करती है, और हाईवे पे 32-36 तक भी इसने मेरे को माइलेज दिया है। कमी जो लोगों को लगती है, बिग बाइक का फील ये बाइक नहीं दे पाती है कुछ लोगों को, क्योंकि यार इंडिया में जैसा गाड़ियों में सब लोगों को SUV पसंद है, अगर आप 3-3.5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो सारी चीज़ें चाहिए होती है एक बाइकर को। आपको एडवेंचर टूरर, सिटी राइड भी करे, हाईवे टूरिंग भी करे, और आपको अच्छा खासा बड़ी बाइक का फील भी दे, ताकि आप जब लोगों के बीच में जाएँ तो ऐसा लगे आपने बहुत महंगी बाइक ली है। ये भी एक इसमें कमी है जो बहुत सारे लोगों को फील होती है कि इस बाइक का जो लुक्स है वो बिग बाइक जितना फील नहीं देता है जैसे हिमालयन का देता है, नई 450 का। उस बाइक का ना यार एक तो विंड स्क्रीन बहुत ऊपर है, फ्यूल टैंक बहुत बल्कि उन्होंने बना दिया है, और वो सब एक दो चीज़ें इसके डिज़ाइनिंग पार्ट ऑफ, क्योंकि स्क्रैम्बलर्स ऐसी ही होती हैं, लेकिन लोगों की डिमांड तो रहती है ना भैया कि पैसे को ज़्यादा दिखाना है, बाइक को बड़ा दिखाना है हर चीज़ को, तो वो एक चीज़ इसमें मिसिंग है। लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं कमी नहीं लगती है, मेरे लिए एजिलिटी और जो इसका यूटिलिटी है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो 8th और नेक्स्ट पॉइंट आता है यार, जो इसमें मुझे कमी फील हुई वो है इसकी हेडलाइट। वैसे तो दिखने में इसकी जो DRLs है, ये जो दिख रही है यहाँ पे, और जैसे इग्निशन ऑन होता है तो ये जो दो लाइट्स हैं ये और तेज जलने लगती है, लेकिन यार ये जो हेडलाइट है ना यार बिल्कुल भी काम नहीं करेगी हाईवेज पे। सिटी पे सिर्फ ये काम करती है थोड़ा बहुत, मतलब नोटिसेबल आपको लगेगा कि हाँ कुछ जल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है यार इसकी हेडलाइट, मैं सीरियसली लिटरली बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने अच्छे खासे मोटे मोटे ये मैडडॉग के अल्फ़ा ऑक्सलाइट लगवाई है, जो कि यार ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है अगर ट्रैम्प करना चाहे, क्योंकि सिर्फ जो बल्ब है वो शायद मुझे ऐसा लगता है अगर वो चेंज करेंगे या थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो हेडलाइट इसकी अच्छी हो सकती है। डिज़ाइनिंग में इसकी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा लुक एंड फील देती है, प्रीमियमनेस है इसकी हेडलाइट में, लेकिन यूटिलिटी नहीं है। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है यार ट्रैवल सस्पेंशन। अगर आप स्पीड 400 का ट्रैवल देखेंगे फ्रंट वाला तो 140mm का है, और इसका जो ट्रैवल सस्पेंशन है 150mm का है, जबकि स्पीड का जो पीछे वाला ट्रैवल सस्पेंशन है वो 130mm का है। उससे स्क्रैम्बलर में जब इन्होंने इंक्रीज़ किया तो 20mm बढ़ा के 150mm कर दिया है स्क्रैम्बलर में, लेकिन आगे सिर्फ 10mm का ही जो है इम्प्रूव किया है। जो 10mm है ना यार बहुत कम है, अगर आप स्क्रैम्बलर को थोड़ा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बाइक बना रहे थे तो कम से कम 10 या 20mm, 170mm तक तो ईजीली जा सकता था, जिसकी वजह से इसकी ऊपर का जो मीटर का कंसोल है वो भी थोड़ा और ऊपर हो जाता। और ये जो टफ टेरेन में ना अभी भी सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है, सस्पेंशन की कमी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक थोड़ा सा और अच्छा वर्क करता अगर 160 या 170mm का फ्रंट वाला ट्रैवल सस्पेंशन होता तो। और लास्ट पॉइंट बताने से पहले यार, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो 10th पॉइंट है ना यार वो पूरा सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि 10th पॉइंट है इसका सर्विस नेटवर्क। सर्विस नेटवर्क बिल्कुल भी यार ट्रैम्प का अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। जैसे मैं नॉर्थ दिल्ली के कोने पे रहता हूँ और सर्विस कराने के लिए मेरे को वेस्ट दिल्ली के इस कोने पे आना पड़ता है, नारायणा, जो कि मेरे घर से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है। और अब जैसे छोटे मोटे अपडेट आ रहे हैं क्योंकि नई बाइक है, कभी सर्विसिंग के लिए जाना है, कभी कुछ ख़रीदने जाना है या बाइक को दिखाने जाना है, तो यार काफ़ी। और ये तो दिल्ली में हाल है, दिल्ली में पूरी दिल्ली में एक शोरूम है, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे शोरूम 70-80-90 किलोमीटर दूर है। तो आप बताइए, अगर ECU अपडेट कराना है किसी बंदे के पास, अभी सर्विस करा के गया है और अगले ही हफ्ते फिर से कॉल आएगा, तो वो कितना दूर जाएगा यार। और बहुत सारे लोग तो सर्विस नेटवर्क या फिर शोरूम नेटवर्क की वजह से इस बाइक को ख़रीद भी नहीं पा रहे हैं, जो कि यार एक ये कमी है, और इसको ट्रैम्प पूरा तो कर रही है, थोड़ा थोड़ा
शोरूम्स बढ़ा रही है लेकिन इतनी जल्दी से नहीं बढ़ा पाएगी, ये अभी के लिए मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। यस, मैंने सुना है नॉर्थ दिल्ली में भी इनका एक शोरूम ओपन होने वाला है, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। आप लोगों के एरिया में कब तक पहुँचेगा ट्रैम्प, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए टाटा बाय बाय।